क्या आप भी ट्रिप को कैंसिल करा के लेके जाते हो? ऐसी हरकत हमारे एक राइडर भाई ने कर दी थी भाई, एकदम फिल्मी सीन हुआ। चारों तरफ से राइडर को पुलिस वालों ने घेर लिया। क्या आप भी ट्रिप को कैंसिल करा के लेके जाते हो? क्या आप भी पार्सल को, ओवरवेट पार्सल को जब कस्टमर से बात करते हो कि आपने ये पार्सल बुक किया है, ये ओवरवेट है, इसको आप कैंसिल कर दो, मैं इसको डायरेक्ट लेके जाऊंगा, या एक्स्ट्रा पैसे आप दे दो, मैं इसको डायरेक्ट लेके चला जाता हूँ, या फिर आपको रैपिडो के अंदर, ओला के अंदर या उबर के अंदर पैसेंजर की बुकिंग आती है और जब आप वहां पर पहुंचते हो और आप देखते हो कि यहां पर तो पैसेंजर तो है लेकिन उसे जाना नहीं है, जाना है किसी सामान को, और वो एक छोटा सा पैकेट आपको दे देता है और आप इसलिए ले लेते हो कि चलो ठीक है 60-70 किलो की सवारी से अच्छा ये 150 ग्राम का 1 किलो का पार्सल है, इसको ही मैं डाल लेता हूँ और किसी दूसरी कंपनी का ऐप भी चालू कर लूंगा तो मेरी डबल कमाई हो जाएगी। तो आप हो जाओ सतर्क भाई, क्योंकि अभी हमारी जानकारी में एक नहीं दो दो केस ऐसे आ चुके हैं जिसके अंदर ऐसी हरकत हमारे एक राइडर भाई ने कर दी थी। उन्होंने जो है रैपिडो के अंदर एक पार्सल क्या, रैपिडो के अंदर उन्होंने जो है कस्टमर की बुकिंग उठाई और उठाने के बाद जब वो पिकअप पॉइंट पर पहुंचे तो वहां पर उनको एक छोटा सा पार्सल दे दिया गया। पार्सल वो लेके चल पड़े, बहुत खुश हुए कि हाँ भाई चलो कम से कम 30-40 किलो का वजन जो है वो मुझे ढोना नहीं पड़ेगा, ये 10 ग्राम का पार्सल ही सबसे बेस्ट है। लेकिन हुआ क्या, आगे चल के उनको एक चेकिंग के दौरान, क्योंकि आजकल 26 जनवरी चल रही है, चेकिंग के दौरान उनको रोक लिया गया और वो पार्सल उनका जो है पुलिस ने जब चेक किया तो उसके अंदर नशीला पदार्थ था। अब वो राइडर जो है वो ऐसा फंस गया क्योंकि वो ये नहीं साबित कर सकता है कि वो ये पार्सल जो है किसी कस्टमर का कैरी कर रहा है, क्योंकि रैपिडो के अंदर जो बुकिंग आ रखी है वो एक पैसेंजर की बुकिंग है, ना कि पार्सल की बुकिंग है। बहुत ही मुश्किलों के बाद आई डोंट नो उनके साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे मेरे एक दूसरे राइडर ने ये सारी जानकारी दी है, इसलिए मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप भी ऐसा करते हैं, ओला उबर रैपिडो या उबर के अंदर किसी कस्टमर की बुकिंग आती है और आप पार्सल लेके चल पड़ते हैं बिना कुछ सोचे समझे, तो भाई हो जाओ सतर्क, ये जरा सी बचत जो है आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचाने वाली है। ऐसा ना हो कि आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ जाए इस छोटी सी फैसिलिटी को उठाने के लिए कि चलो ठीक है भाई छोटा सा पार्सल है, पैसेंजर की जगह पार्सल जा रहा है, तो फटाफट दौड़ते हुए चले जाएंगे, पेट्रोल की भी बचत हो जाएगी, तो भाई जितनी बचत करोगे ना सब जेल से निकल जाएगी। इसलिए भाई जिस काम को कर रहे हो उसी काम को करो, पैसेंजर की बुकिंग आई है तो पैसेंजर को लेके जाओ, पार्सल की बुकिंग आई है तो पार्सल को लेके जाओ, लेकिन ध्यान रखो कभी भी ऑफलाइन ट्रिप मत जाओ, कभी भी ऑफलाइन में किसी भी कस्टमर को ना तो आप कैरी करो। अगर कस्टमर भी बोलता है कि मैं ऑफलाइन में चलूंगा आपके साथ, ट्रिप को कैंसिल कर दो, तो भाई ऐसे कस्टमर के साथ भी मत जाओ, क्योंकि हो सकता है उस कस्टमर के पास कोई ऐसा पार्सल हो जिसकी वजह से आप फंस जाओ, कस्टमर की चेकिंग हो और चेकिंग के अंदर अगर कस्टमर के पास कुछ ऐसा निकल गया और उस, क्योंकि उस वक्त आप भी उसके साथ हो, तो भाई आप भी फंसोगे, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि ये जो कस्टमर बैठा हुआ है ये आपका दोस्त नहीं है। ऐसे किसी भी मैटर के अंदर कोई भी कंपनी हो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी, ये ध्यान रख लीजिएगा बिल्कुल। एक और केस हुआ था जिसमें कि बहुत तगड़ा मामला हुआ था, पुलिस भी आ गई थी, हमारे एक राइडर को जो है कहानी मैं पूरी आपको बताता हूँ, हो सकता है उस कहानी से आपको थोड़ा सबक मिल जाए और आप आगे सतर्क रहें इस लाइन के अंदर। जी हाँ, अब जिस केस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके अंदर तो बहुत ज्यादा लफड़ा हुआ था, मामला जो है थाने तक पहुँच गया था, राइडर ने जो है अपना पूरा बखान व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किया था। वो कहानी हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दोबारा से वो कहानी याद दिलाना चाहता हूँ। पार्सल गया था नोएडा से मयूर विहार का, छोटा ही डिस्टेंस था, ट्रिप थी बोर्जो के अंदर, राइडर के पास ट्रिप आई थी नोएडा से, राइडर जो है पिकअप लोकेशन पे गया, पिकअप लोकेशन जो थी वो जस्ट गली के कोने की थी, घर से नहीं थी किसी के, गली के कोने पे राइडर पहुंचा और राइडर ने जो है कस्टमर को कॉल किया कि सर मैं आपकी लोकेशन पे खड़ा हूँ, आप यहाँ पर आ जाइए। बकायदा गली के कोने पर ही आया और कोने पर आने के बाद उसको एक छोटा सा पैकेट पकड़ाया, राइडर को थोड़ी सी शंका हुई, राइडर ने जो है कस्टमर से पूछा सर इसके अंदर क्या है, तो उन्होंने कहा इसके अंदर चार्जर है और वो पैकेट जो है वो अमेजोन की पन्नी के अंदर पैक करके रखा हुआ था जो कि पहले से खुली हुई थी लेकिन दोबारा से उसको पैक किया गया था उस पन्नी को। तो राइडर ने कहा ठीक है हो सकता है इसके अंदर चार्जर हो, क्योंकि बुकिंग के अंदर भी बकायदा चार्जर ही लिखा हुआ था। राइडर ने जो है उस ट्रिप को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद वो अपने मयूर विहार की तरफ चल पड़ा, मयूर विहार जस्ट वो पहुंचने ही वाला था कि कस्टमर का दोबारा से कॉल आ गया कि आप एक काम करिए आप जो है वापस आ जाइए, यहीं पर ही वो पार्सल नहीं गलत चला गया है,
आप इस पार्सल को जो है वापस नोएडा ही लेके आ जाइए। तो राइडर ने कहा कि सर आप डेस्टिनेशन चेंज कर दीजिए या फिर मेरा आने जाने का फेयर जो लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं लगभग मयूर विहार पहुंच ही गया हूं। तो कस्टमर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम कीजिए, मैं आपको आने जाने का फेयर दे दूंगा, आप जो है वापस आ जाइए। तो राइडर ने क्या करा कि राइडर ने जो है इस ट्रिप को एंड नहीं किया और सीधा वापस नोएडा ही आ गया, जहां से उसने पार्सल को लिया था। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचा तो भाई एकदम फिल्मी सीन हुआ, चारों तरफ से राइडर को पुलिस वालों ने घेर लिया और तुरंत उसकी बाइक को साइड में लगाया और उसको जिप्सी के अंदर बैठा दिया। राइडर की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद होश संभालने के बाद राइडर ने पुलिस वालों से पूछा कि सर आखिर माजरा क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो एक डिलीवरी मैन हूँ जो कि बोर्जो की तरफ से इनका पार्सल लेके गया था, आप लोगों ने मुझे क्यों बैठा रखा है। तब एक भले पुलिस वाले ने उसे पूरी जानकारी दी कि जिसका पार्सल तुम लेके गए थे ये जो है नशीले पदार्थ का जो है सप्लाई करता है, हमारी नजर कई दिनों से इसके ऊपर थी और हम लाइव रेड मारने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे, हम भी यहाँ पर खड़े थे जब आपने इस पार्सल को जो है उठाया है, लेकिन जैसे ही आप कस्टमर ने पार्सल तुमको दिया और हम तुम्हारी तरफ लपके, उससे पहले ही तुमने बाइक को चला दिया था और हमारी पहुंच से तुम दूर हो गए थे, इसलिए हम तुम्हें पकड़ नहीं पाए। फिर हमने इस कस्टमर को पकड़ लिया जिसने ये पार्सल तुमको दिया था और तुमको वापस कॉल करवाया और इसने फिर तुमको कॉल किया और हम अपनी कार्रवाई को पूरा करना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि वाकई जो है ये कस्टमर जो है ये ड्रग सप्लाई करता है, ये नशीला पदार्थ सप्लाई करता है और ऐसे बाइक को बुला के करता है। तो भाई मैं एक बात बताऊं, इसके अंदर टोटल निष्कर्ष जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, हमारा राइडर सिर्फ और सिर्फ बचा है अपनी ईमानदारी की वजह से, क्योंकि उसने जो है प्रूफ दिखाया पुलिस वालों को। थाने के अंदर हमारे राइडर ने पूरी डिटेल अपने ट्रिप की दी, अपने जो है ऐप को दिखाया कि उसके अंदर जो है बुकिंग आई थी, उस बुकिंग के द्वारा लेके गया था, उसका इस कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ एक बुकिंग को पूरी कर रहा है एक कोरियर कंपनी की तरफ से। भाई तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ईमानदारी की वजह से वो राइडर बच पाया है, इसलिए हम आपको सतर्क कर रहे हैं। जो आपने थंबनेल में देखा होगा हमने ब्रेकिंग न्यूज का लगा रखा है, वो इसीलिए लगा रखा है कि भाई बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाओ। आजकल हम डिलीवरी मैन का इस्तेमाल जो है कस्टमर गलत कामों में भी कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कस्टमर की वजह से आपको जेल यात्रा हो जाए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें, इधर उधर की बातें नहीं करता हूं मैं अपने चैनल पे, केवल महत्वपूर्ण बातें करता हूं, ताकि आप सुरक्षित रहें और अपना काम ईमानदारी से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।